दिल्ली में शराब नीति घोटाले के मामले में आप नेताओं की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक एक बाद एक गिरफ्तारी से हंगामा मचा हुआ है। पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया और अब आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। शराब नीति घोटाले को लेकर अगला नंबर किसका होगा, ये सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए किया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है या फिर ईमानदारी की मिसाल देने वाली आप में लगे ये दाग असली है? सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। दिल्ली की शराब नीति घोटाले के केस में ईडी आज सुबह से ही संजय सिंह के आवास पर डटी हुई थी और लंबी पूछताछ के बाद जैसे ही ये खबर आई कि संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है तो आम आदमी पार्टी के नेता की गिरफ्तारी के बाद से ही आप कार्यकर्ता हंगामा करने लगे, नारेबाजी भी की गई। संजय सिंह के यहाँ ये छापेमारी ऐसे वक्त पर हुई है जब एक दिन पहले ही दिल्ली की कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में वाईएसआर सांसद श्रीनिवासुलू रेड्डी के बेटे राघव मुंगटा और बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी। संजय सिंह को लेकर क्या कुछ आरोप हैं, क्या आधार है, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है वो भी जान लीजिए। शराब नीति घोटाले में संजय सिंह का नाम पहली बार दिसंबर 2022 में सामने आया था। तब ईडी ने आरोप पत्र में कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के हिस्से के रूप में आप नेता के नाम का उल्लेख किया था। एजेंसी का दावा था कि दिनेश अरोड़ा ने उन्हें बताया है कि वह शुरू में संजय सिंह से मिले थे, जिनके जरिए बाद में वो एक रेस्टोरेंट में एक पार्टी के दौरान मनीष सिसोदिया से मिले। आरोप पत्र में ये कहा गया कि संजय सिंह के कहने पर दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए सिसोदिया को पैसे देने की व्यवस्था की थी। अरोड़ा के हवाले से शिकायत में ये भी कहा गया कि उन्होंने सिसोदिया से 5 से 6 बार बात की और संजय सिंह के साथ केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। दिनेश अरोड़ा ने बयान में ये कहा कि संजय सिंह के अनुरोध पर उसने दिल्ली के एक रेस्टोरेंट और बार मालिकों से 82 करोड़ रुपए जमा करके मनीष सिसोदिया को चेक के रूप में पार्टी फंड के बहाने दिए थे। उस पैसे का इस्तेमाल उस दौरान आने वाले विधानसभा चुनावों में किया जाना था। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के कथित घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद आज अब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। संजय सिंह के घर पर जब आज ये पूरी कार्रवाई की जा रही थी, इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया था। ईडी की संजय सिंह के घर पर छापेमारी पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आप सांसद का समर्थन करते हुए कहा कि मोदी जी चाहे जितने छापे करा लें, ईडी को आप सांसद के आवास पर कुछ भी नहीं मिलेगा। अब तक 1000 से ज्यादा छापे हो चुके हैं लेकिन एजेंसियों के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। आप समेत विपक्ष के नेता राजनीति से प्रेरित इस कार्रवाई को मान रहे हैं। उधर बीजेपी आप पर पलटवार कर रही है। बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह का कहना है कि जल्द ही तिहाड़ जेल में आपका दफ्तर शिफ्ट होगा। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अगला नंबर केजरीवाल का हो सकता है। इस मामले में संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पूछताछ की गई, छानबीन की गई तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन पर यानी ईडी पर गिरफ्तारी का दबाव था और उन्होंने गिरफ्तार किया। संजय सिंह ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम एक बहादुर व्यक्ति की पत्नी हो, इसलिए तुम हिम्मत मत हारना। आप सांसद की गिरफ्तारी के बाद पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से केंद्र सरकार के लिए जबरदस्त निगेटिविटी जनता के बीच है। 5 राज्यों में अधिकतर विधानसभा चुनाव बीजेपी हार रही है। जनता बीजेपी को वापस लाने के लिए तैयार नहीं है। संजय सिंह को तो बिना सबूत गिरफ्तार किया गया। अक्सर ये कहा जाता है कि कुछ बातें खुद नहीं कहनी चाहिए, वो बातें कभी कभी सच भी हो जाती हैं। संजय सिंह ने पिछले दिनों एक ऐसा बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ईडी या किसी जांच एजेंसी में दम है तो वो उन्हें गिरफ्तार करे। समय देखिए, संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई। अब इस तरह का आरोप लगाना कि संजय सिंह को बिना सबूत गिरफ्तार किया गया, तो सवाल ये भी है कि अगर बिना सबूत गिरफ्तार किया जाएगा तो कौन फंसेगा? आपको क्या लगता है संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर और जिस तरह से शराब घोटाले का जिक्र हो रहा है, इसकी जांच की जद में आगे और कौन आ सकता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार।